सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन, और हमने शुरू भी रिफ्रैक्शन से किया। हमने जितने भी क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के किए वो हमेशा ग्लास स्लैब के किए या प्रिज्म पे किए, ऐसी सरफेस पे किए जो गोल नहीं थी, कर्व नहीं थी, फ्लैट थी। प्रिज्म का स्लांट हाइट भी जो है वो जो सरफेस है वो भी जो है वो फ्लैट है, ग्लास स्लैब भी फ्लैट है, पानी की सरफेस भी फ्लैट है, ऑयल की सरफेस भी फ्लैट है। हमने कभी ऐसी सरफेस तो ली ही नहीं, हमने कभी ये तो किया ही नहीं कि इसके ऊपर रिफ्रैक्शन का इफेक्ट दिखाओ जिसमें कर्वेचर आता है, कर्व है, इसमें तो रिफ्रैक्शन होती होगी। तो आज हम कर्व सरफेस की, स्फेरिकल सरफेसेस की क्या करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो मैं आपको ये दूंगा कि जैसे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब पड़ी हुई है, पानी पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है, आपका कॉइन एक्स डिस्टेंस पे है तो कॉइन आपको ऊपर नजर आता है, आप उसकी क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं और कितना एक्स बाई म्यू, बहुत सिंपल रिजल्ट है। पर अगर यही पानी की सरफेस ऐसी हो, कन्वेक्स या कनकेव हो, और मैं नीचे क्या रख दूं, कॉइन रख दूं, अब बताओ इमेज आपको कहां नजर आएगी, ये टॉपिक आपको बताएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कर्व्ड सर्फेसिस। अब दो टाइप की सर्फेसिस हैं, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है। करने से पहले एक चीज समझ लें, कन्वेक्स कनकेव की पहचान कैसे करेंगे इसको समझ लें। इमेजिन करें कि आपके पास एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है जो अंदर से डेंसर है, एक स्फेयर है जो अंदर से डेंसर है और बाहर एयर है या रेयरर है। आप एक काम करें, इस स्फेयर को ब्रेक कर दें दो हिस्से में, तोड़ दें, काट दें, आपके पास एक सरफेस जो है वो ऐसी दिखेगी, ये रहा डेंसर, और आपको एक सरफेस कुछ ऐसी दिखेगी, ये है डेंसर। चाहे ये सरफेस है चाहे ये सरफेस है, इसकी शेप को बोलते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये शेप कन्वेक्स है, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, ये कन्वेक्स शेप है। अब मैं आपको कनकेव दिखाता हूं, फिर आपको टोटल डिफरेंस समझ में आएगा। तो कनकेव के अंदर इमेजिन करो कि ये आपके पास एक स्फेयर है और आपने इससे, और स्फेयर ऐसे है कि ये वाला हिस्सा डेंसर है, ये देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा डेंसर है और ये वाला हिस्सा क्या है, रेयरर है, डेंसर है रेयरर है। आप इसे काट दें दो हिस्से में, इस बार आपको शेप कैसी नजर आएगी, पहली शेप ऐसी नजर आएगी ये देखो, दूसरी शेप ऐसी नजर आएगी ये देखो, ये कनकेव है, दोनों के दोनों कनकेव है। फर्क क्या कन्वेक्स कनकेव में, बताऊं, ये कनकेव है और जो ऊपर डायग्राम बना था वो कन्वेक्स है, ये देखो ये देखो ये है कन्वेक्स, देख रहे हो। तो अगर आपके पास ये स्फेयर है, ये देखो ये स्फेयर है, याद करने का तरीका, और तुमने यहां डेंसर डाल दिया, भर दिया पानी के साथ इसे, तो ये कन्वेक्स बनेगा, और तुमने यहां एयर रखी और यहां पानी डाल दिया, पीछे डेंसर कर दिया, तो ये कनकेव बनेगा। तो अगर इसके अंदर डेंसर है तो कन्वेक्स है, अगर यहां पे डेंसर है तो कनकेव है। अब याद करने का तरीका तुम्हारा है कि तुम कैसे याद करोगे, तो बुक्स में ये बना होता है कि ये देखो इस स्फीयर के अंदर डेंसर है तो कन्वेक्स है, इस स्फीयर के पीछे डेंसर है तो ये कनकेव है, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अगर कोई लाइन इनमें से सेंटर से पास कर रही है, इस लाइन को याद रखना, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इस टॉपिक के अंदर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करूंगा, एयर का म्यू वन है और डेंसर का म्यू टू है, एयर का म्यू वन है डेंसर का म्यू टू है। प्रिंसिपल एक्सिस इसको इस कोने पे काटती है, कट करती है, इसको बोलते हैं पोल, इस स्फीयर का पोल है, ऐसी ये इस स्फीयर का पोल है, ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, इसका अगर मैं सेंटर बनाऊं या रेडियस बनाऊं, अगर मैं स्फेयर को कंप्लीट करूं तो इसका रेडियस यहां मिलेगा, तो ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका सेंटर राइट मिलेगा, इसका सेंटर लेफ्ट मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है यहां तक। तो आज हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर रिफ्रैक्शंस को देखना है। तो नॉर्मली लोग डेरिवेशन पहले कराते हैं फिर ये चार्ट बाद में बनवाते हैं, नहीं भी बनवाते, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आज का लेक्चर हम स्फेरिकल सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन करेंगे,
हम रिफ्रैक्शन करेंगे रेयरर टू डेंसर, जब लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर टू डेंसर, हम करेंगे डेंसर टू रेयरर, दो केस करेंगे अलग अलग। हम रेयरर टू डेंसर किस पे लगाएंगे, कन्वेक्स पे, फिर लगाएंगे कनकेव पे, फिर हम डेंसर टू रेयरर लगाएंगे कन्वेक्स पे और कनकेव पे। जब हम रेयरर टू डेंसर की रिफ्रैक्शन करेंगे कन्वेक्स के ऊपर, तो हमारे पास दो इमेजेस बनेंगी, रियल और वर्चुअल दोनों बनती हैं। कनकेव में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनती है, बना के दिखाऊंगा अभी, और इसमें कन्वेक्स में रियल और कनकेव में वर्चुअल। तो हम कुल मिला के 5 केसेस करने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, रेयरर टू डेंसर, कन्वेक्स, रियल। तो ये पहला टॉपिक है। तो मैं रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर करूंगा, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लूंगा, और इमेज क्या बना के दिखाऊंगा, रियल कब बनती है और वर्चुअल कब बनती है, दो केस करते हैं। तो करें स्टार्ट इसमें। ठीक, तो इसको करने के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर का केस है, हेडिंग लिख दी, और इसके अंदर कौन सी इमेज बनेगी, कन्वेक्स में रियल की इमेज बनेगी। पूरे ऑप्टिक्स की खास बात क्या है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये डायग्राम दिखा दूंगा, आपको कि हाँ ठीक है बन जाएगा, फिर मैं कहूँगा ठीक है अगला केस जो है वो देखने में ऐसा है, तुमको कि हाँ ठीक है ये भी याद कर लेंगे, और फिर मैं कहूँगा नहीं तीसरा केस तो ऐसा है, तुमको ये भी याद कर लेंगे, सारे तो एक जैसे हैं, तुम याद कैसे कर सकते हो। कोई पेंटिंग की क्लास थोड़ी ना चल रही है कि आप पेंटिंग बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, पहाड़ियाँ बनाएंगे और याद हो जाएंगी, ये बिल्कुल भी याद किए ही नहीं जा सकते। ये आपको सिर्फ दिमाग में बिठाने हैं। जितना भी रे ऑप्टिक्स अब बचा हुआ है, हर क्लास में जहाँ डायग्राम आएगा वहाँ आप अपनी कॉपी ओपन करेंगे, मैं आपको बनाने का स्टाइल सिखाऊंगा, याद नहीं करेंगे स्टाइल सिखाऊंगा, और पेपर में अपने आप बन जाएंगे। मज़े की बात तो ये है, ठीक, बस आपको स्टाइल सीखना है। तो करें स्टार्ट, तो कॉपी ओपन कर सकते हो प्लीज़, रफ के लिए, बस रफ कॉपी, कोई फेयर नहीं करना, बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो ऑनलाइन स्टूडेंट भी प्लीज़ अपनी कॉपी को रेडी रख लें। ठीक है, ये बना कैसे है इसको समझते हैं। देखो, पहले आपने देखना है, फिर आपने बनाना है। पहले देखना है सिर्फ, फिर दिमाग में बिठा के फिर बनाना है। अगर साथ साथ बना लिया फिर तो पेंटिंग हो गई ना, इधर की लाइन इधर कॉपी कर दिया वो तो पहले आपने पूरा डायग्राम समझना है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहां पर है, कन्वेक्स में है। ठीक, रिफ्रैक्शन जो है वो कन्वेक्स में है, रेयरर टू डेंसर में है, और रियल का केस है। सबसे पहले काम करते हैं हम, यहाँ पर ये बनाते हैं और इसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रही, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये डेंसर है और ये रेयरर है। मैं इस डेरिवेशन में म्यू टू को डेंसर से रिप्रेजेंट करता हूँ, म्यू वन को रेयरर से करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, पहले देखना है, फिर दो मिनट दूंगा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, रेयरर में। क्यों रेयरर में, कैसे भी रेयरर में क्यों, डेंसर में क्यों नहीं रखा, क्योंकि रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर है। रेज कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को ही डेंसर में रख दूंगा तो रेज डेंसर से रेयरर भागेंगी, तो रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर हो जाएगी। तो मेरे को रेयरर टू डेंसर शो करना है तो मैं ऑब्जेक्ट को रेयरर में रखूंगा, अब वही रेज हर तरफ जाएंगी और कुछ डेंसर में भी जाएंगी। तो इसलिए अगर मैंने रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर करना है तो ऑब्जेक्ट को मुझे रेयरर में रखना पड़ेगा। तो रूल समझते हैं, जब भी ये डायग्राम है हर तरफ लाइट जाती है पर हम दो ही रेज लेंगे, एक रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लेके जानी है, और दूसरी रे लेंगे वो इसकी सरफेस को यहाँ हिट करेगी और रिफ्रैक्शन होगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। स्फीयर की सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, इस कर्व का सेंटर राइट पे मिलेगा। तो तुम यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना, एक स्केल लेके ऐसे, और इस नॉर्मल जो पास कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर सी में से पास कर रहा है। यहां तक क्लियर है, सिंपल है। अब रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कहां, रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई और ये यहां आके मिल गई, जहां मिली वहां इस ऑब्जेक्ट की क्या बनी, रियल इमेज, क्योंकि रियली मिल रही है
तो रियल इमेज। यहां पे रे ऑफ लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया, आई, और यहां पे क्या बनाया, आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होता है, अल्फा हमेशा, और इमेज के एंगल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा। क्लियर है? अब आप 2 मिनट लें और इस डायग्राम को यहां तक बनाएं, सरफेस बनाएं और रिफ्रैक्शन शो करें और डायग्राम को कंप्लीट करें। मतलब स्टेप बाय स्टेप सोचें, पहले वो हिट करेगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल से रिफ्रैक्शन होगी, रियल इमेज है तो दोनों रेज मिलेंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा अल्फा, इमेज का एंगल हमेशा बीटा। इसमें नाम भी बिल्कुल चेंज नहीं करने आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट को ओ से लिखना है, इमेज को आई से लिखना है, सेंटर को सी से लिखना है, इस पॉइंट का नाम ए ही लिखना है, चेंज भी नहीं करना, ए ही लिखना है। बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है ऑप्टिक्स का, ये मेरा रूल है, ए लिखना है, बताता हूं क्यों। तो आपने ए लिख लिया, फिर आपने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये कंस्ट्रक्शन है, परपेंडिकुलर में ये पोल है, ये पोल है, और इस पॉइंट का नाम एम रखना है, एम, ए एम, ए एम, ठीक है। तो अल्फा बीटा, और सुनो ये देखो, सेंटर, सेंटर का एंगल हमेशा रिप्रेजेंटेड बाय गामा, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, और सेंटर का एंगल गामा, अल्फा बीटा गामा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक, ठीक है, यहां तक तो इसके अंदर ये बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और ये म्यू टू है, हो क्या रहा है रिफ्रैक्शन, क्या लगेगा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई इज म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर, सही है। यहां से साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। याद रखना ऑप्टिक्स में ये लाइंस बहुत दूर नहीं है, ये सब पैरेक्सियल रेज हैं, पैरेक्सियल रेज का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक हैं और डायग्राम बहुत छोटे स्केल पे है, अल्फा बीटा गामा ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ये छोटे एंगल्स पे काम हो रहा है, और अगर एंगल छोटे हैं तो आप साइन आई की जगह आए, साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं, ऐसे साइन आई साइन आर की जगह आई बाय आर। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाना समझ में आ रहा है इसमें, ठीक। अब इसके अंदर करना क्या है, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, आप स्नेल्स लॉ लगा दें, म्यू वन इंटू साइन आई म्यू टू इंटू साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एंगल छोटे हैं, साइन आई को आई साइन आर को आर लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आई इंटू म्यू वन इज म्यू टू इंटू आर, यहाँ तक रोक के रख लें, कर लिया यहाँ तक, सही है। अब ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल याद करें, आपको ट्राइंगल याद करें, हाँ इसमें एक स्टैंडर्ड नाम ही ऐसे याद करा रखे हैं, इन ट्राइंगल आई ए सी इन ट्राइंगल ओ ए सी, आपको ट्राइंगल तो देख लो, देखने नहीं मुझे, मैंने नाम ही ऐसे रखे हैं कि आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, इन ट्राइंगल आई ए सी इन ट्राइंगल ओ ए सी, ये देखो पहला ट्राइंगल ओ ए सी, पहला ट्राइंगल ओ ए सी, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है आई वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि अल्फा प्लस गामा, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, आई की, तो कौन सा ट्राइंगल लिया आपने,
आई ए सी, कौन सा ट्राइंगल लिया, ओ ए सी। अब मैं क्या लूँगा, आई ए सी, ये रहा आई ए सी। अब मैं ये ट्राइंगल लूँगा, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा किसके इक्वल है, आर प्लस बीटा। यहाँ से सॉल्व करके आर की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस बीटा। तो मैंने दो ट्राइंगल लेने हैं हर क्वेश्चन में, आई ए सी और ओ ए सी। और मैं ट्राइंगल तभी ले पाऊंगा जब मैं नाम अपने हिसाब से रखूंगा। अगर मैं नेमिंग वहाँ पे चेंज कर दी, फिर आई ए सी ओ ए सी ढूंढते रहना कहाँ गए। तो नाम ना चेंज करना वहाँ पे, अपने आप आपको रेशियो पता लग जाएगी। तो तुमने आई और आर निकाल लिया, तो तुमने आर निकाल लिया, तुमने आई निकाल लिया। जो भी तुमने आई और आर निकाला उसको तुम यहाँ और यहाँ पुट कर दो, आई की जगह ये वैल्यू, आर की जगह ये वैल्यू, राइट। तो तुमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाई और तुमने स्नेल लॉ लगाया, स्नेल लॉ में आई और आर को पुट कर दिया। अब क्योंकि एंगल छोटे हैं तो अल्फा को टेन अल्फा भी ट्रीट किया जा सकता है, मैथ्स में ऐसा ही होता है, एंगल छोटे हैं तो अल्फा टेन अल्फा एक ही बात है। तो एंगल छोटे हैं तो जहां अल्फा की वैल्यू पुट करनी है अपने मन में टेन अल्फा बोलो, और ये एम एन नहीं है, ये एम है, एम है, एम कर लो इसे करेक्शन। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, ए एम डिवाइडेड बाय एम ओ। टेन गामा की वैल्यू कितनी है, गामा या टेन गामा एक ही बात है, तो ए एम डिवाइडेड बाय एम सी। बीटा की वैल्यू कितनी है, या टेन बीटा की वैल्यू क्या है, ए एम डिवाइडेड बाय एम आई। तो आपने कुछ नहीं करना, अल्फा की जगह ए एम बाय एम ओ, बीटा गामा और बीटा टेन से ले लेना है। तो ये देखो, ये मैंने लिख दिया अल्फा की जगह ए एम बाय एम ओ, गामा गामा और बीटा। ए एम ए एम ए एम ए एम क्या हो गया, कैंसल। अब ये याद रखना कि ये जो डिस्टेंस है एम का और पी का, ये बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है। तो मैं m को रिप्लेस करूंगा p के साथ, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, फ्रॉम पोल p, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। तो आप m से मत लें, आप p से लें। तो जहाँ जहाँ आपको यहाँ पे एम ओ दिख रहा है वहाँ पी ओ कर लें, एम सी दिख रहा है पी सी कर लें, एम सी दिख रहा है पी सी कर लें, और एम आई दिख रहा है पी आई कर लें। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने कुछ नहीं किया, आपने टेन से सारे अल्फा बीटा गामा ले लिए, न्यूमिनेटर तो कैंसिल ही हो गए, डिनोमिनेटर में एम की जगह पी कर लिया, सारे डिस्टेंसेस क्योंकि पोल से मेजर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है साइन कन्वेंशन, ये ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें साइन कन्वेंशन। तो रे ऑफ लाइट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट से रे कहां निकल रही है, रेयर टू डेंसर। तो रे कैसे जा रही है, रेयर से डेंसर एंटर कर रही है, राइट की तरफ जा रही है। और हम डिस्टेंसेस क्या लेते हैं, पोल से, हम अपने मन में पोल को ओरिजिन मान लेते हैं। और अगर यहां लाइट यहां जा रही है आपकी, रेयरर से डेंसर इस तरफ जा रही है, तो इधर के डिस्टेंसेस क्या लेने होते हैं, नेगेटिव, और इधर के डिस्टेंसेस क्या लेने होते हैं, पॉजिटिव। जैसे अगर मैं कहूं कि बोलो पी आई कितना है, पी आई, क्योंकि रे कहां जा रही है, राइट, और तुम डिस्टेंस भी पोल से कहां मेजर कर रहे हो, राइट, तो पी आई की वैल्यू पॉजिटिव वी होगी। इमेज के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, लेकिन प्लस वी, क्योंकि आपकी रे भी इधर जा रही है और इमेज भी इधर ही बन रही है, प्लस वी। लेकिन जब मैं बोलता हूँ पी ओ, पी ओ निकालो, अब देखो ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, क्योंकि रेस कहाँ जा रही है, राइट, और आप पोल से डिस्टेंस कहाँ मेजर कर रहे हो, लेफ्ट, तो माइनस यू। अगर मैं बोलूं पी सी, पी सी का मतलब रेडियस आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आर होता है, पर पी सी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आर। प्लस आर क्यों, क्योंकि राइट का डिस्टेंस है और रे भी कहां जा रही है, टुवर्ड्स राइट। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रे राइट जा रही है तो पोल से राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव है और पोल से लेफ्ट के डिस्टेंस नेगेटिव है। कोई डाउट इसमें, तो आप अपनी डेरिवेशन में इसको ओपन कर लेना, ये आ जाएगा पीओ की जगह माइनस यू, पी आई की जगह वी, पी सी की जगह आर, जो लिख के दिखाया, पीओ की जगह माइनस यू, पी सी की जगह पुट कर देना आर, पी सी की जगह आर, पी आई की जगह वी। जब आप पुट करोगे, रीअरेंज करोगे, तो ये फॉर्मूला आएगा, इसे प्लीज बॉक्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे याद करता हूं, वैसे ऐसे लिख लेना, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो जब रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर होगी, तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी
इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. तो बेसिकली जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे, आपका कॉइन अगर यू डिस्टेंस पे पड़े और आपको देख रहे हैं कि आपका कॉइन रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ नजर आएगा, तो आप वी निकाल लेना इस फॉर्मूले से, आपको आर भी चाहिए होगा, आंसर आ जाएगा. तो समझ में आ रहा है यू और वी का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें. इस बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कॉइन यू पे पड़ा होगा और वी आपको निकालना होगा. ये है अपरेंट डेप्थ और ये है रियल डेप्थ, ऐसा कुछ इमेज बनती है इसमें. क्लियर? तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने बुकलेट के साथ साथ लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन ही परेशान करेगी और कुछ नहीं करेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है इसमें. हमने कौन सा केस किया इसमें? कन्वेक्स का. कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहाँ से कहाँ? रेयरर टू डेंसर में. और कौन सी इमेज है? रियल. तो लिखते जाएं डायग्राम के साथ, बॉक्स में डाल लेना इसे एंड में. जब ये केस आया था तो आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लिया था? नेगेटिव. आपने इमेज का डिस्टेंस क्या लिया था? पॉजिटिव. और आपने रेडियस को क्या लिया था? पॉजिटिव. देख लो, यही लिया ना, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, रेडियस. तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये बॉक्स बहुत काम की चीज़ है. इसे नोट कर लें प्लीज़, इसे बॉक्स की तरह नोट कर लें यहाँ पे. ये याद करना बहुत जरूरी है कि रियल के केस में, कन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, इमेज राइट साइड पे. और वैसे भी रियल है, रियल हमेशा राइट साइड पे है और वर्चुअल हमेशा सेम साइड पे है. तो यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है और आर इसमें पॉजिटिव है. ये बहुत आर गड़बड़ कर देगा, आर नहीं याद रहता लोगों को, आर इसमें पॉजिटिव है. तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये पहला टॉपिक. हाँ, इसकी इंटेंसिटी कितनी क्या है? सीबीएसई के अंदर ये डेरिवेशन आती हैं, बहुत चांस है इसका आने का. डेरिवेशन खुद आएगी, ऐसा नहीं है. जैसे वो चेंज कर देते हैं, कैसे? म्यू वन म्यू टू की जगह एन वन एन टू दे देंगे, कुछ घुमा के दे देंगे कि लेट कि कंसिडर अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन एयर, ठीक है, तो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज या फाइंड फॉर्मूला रिलेशन एंड गिव रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस. कुछ भी ऐसी, मतलब तुम्हें बाद में पता लगेगा, अच्छा ये डेरिवेशन थी, मेरे को लगा ये घुमा के न्यूमेरिकल पूछे जा रहा है. तो ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है. ये पहला केस है. फिर दूसरा केस है, दूसरा केस है जिसमें, जिसके अंदर रिफ्रैक्शन इज अगेन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगेन कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. बस इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज. इसमें वर्चुअल है. अब देखो वर्चुअल का मतलब क्या है. वर्चुअल कैसे बनेगी एक बार देख लो, उसके बाद फिर दो मिनट लेके बनाना. वर्चुअल के केस में स्टार्ट वहीं से करना है. मान लो ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. अब ये याद रखना एक चीज़, वर्चुअल जब इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को पोल के बहुत दूर मत रखना. जब बहुत दूर रखेंगे उसको जगह मिलेगी बेंड करने की और वो यहाँ मिल जाएगी, तुमसे रियल बनेगी. तुम जितने भी वर्चुअल का केस देखोगे उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोल के काफ़ी नज़दीक देखने को मिलता है आपको, ताकि लाइट को बेंड करने का चांस कम मिलता है. तो अब नज़दीक रखना, तो कितना नज़दीक? वैसे अंदाजे से नज़दीक. डायग्राम कैसे बनाना है? इस डायग्राम में आपने एक रे कैसे पास करनी है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग. और एक रे कहाँ पास करनी है आपने? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में. कोई डाउट इसमें? सेम डायग्राम है. फिर से क्या ड्रॉ करना है इसमें? एक नॉर्मल. नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से, ठीक है, सेंटर से. अब एक स्टूडेंट है, वो क्या कहता है, देखो जी रिफ्रैक्शन कर रहा था पेपर में, बनाना मत. वो कहता है रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. तो मैंने तो नॉर्मल बेंड कर दी. जब नॉर्मल बेंड की, मेरा तो केस रियल का ही बन गया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जाके ये रे बन गई और मेरा केस क्या बन गया? रियल बन गया. ऐसे कैसे रियल बन गया? मैंने कहा यार ये कोई तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना हो रहा है कि तुम्हारा बन गया. तुमने बनाना है. अगर वो केस तुम्हें वर्चुअल दे रहा है तो तुम इसको इतना बेंड कभी मत करना. अगर ये केस वर्चुअल का केस है तो तुम ये शो करना कि देखो मैंने कुछ बेंडिंग की तो है, बेंडिंग की तो है,
पर ये इसके साथ मिल नहीं पाई, तो मुझे इमेज को कहाँ मिलाना पड़ेगा, कहीं पीछे। अब होगा क्या, जब तुम ये काम करोगे तुम्हारी कॉपी का पेज खत्म हो जाएगा, मेरा बोर्ड बड़ा है, कॉपी का पेज खत्म होगा, तुम फिर रबर लेके सारा डायग्राम मिटाओगे। ऐसा कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन है ये, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है। तो तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम इसके अंदर इमेज पहले डिसाइड कर लो, तुम्हारा कॉपी का पेज कितना है, इतना है, ठीक है जी, डिसाइड कर लो। किसी भी हालत में इमेज तो यहीं बनानी है, पता तो है ही है कि वर्चुअल बननी है। तो फिर तुम एक स्केल लेना, उस स्केल लेके, उस स्केल को लेके बिल्कुल सीधी यहाँ पर डॉटेड लाइन और यहाँ पर सीधी लाइन, ये शो कर देना कि रे ऑफ लाइट ऐसे देखो बेंड हो रही है, हो रही है बेंड, पर प्रॉपर नहीं हो पाई, यहाँ आके मिल गई, बन गई इमेज। तो तुम ऐसे सीधे रास्ते से मत जाना, तुम इमेज फिक्सिंग पहले कर लेना, मेरे को यहाँ ड्रॉ करनी है तो करनी है, इसके बाद कॉपी का पेज खत्म है, तो इमेज यहाँ बना के वहाँ शो कर देना कि ऐसा डायग्राम है, सही है। तो इसके अंदर ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ड्रॉ करो इमेज को, पहले फिक्स कर लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ये तो स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्ट का अल्फा और इमेज का बीटा और नॉर्मल का गामा। तो आई होप ये क्लियर है। फिर एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है, क्या बताया था, एएम, नाम बिल्कुल चेंज नहीं करना, एएम ही करना है। अब शुरू करें, स्नेल्स लॉ, बोलो स्नेल्स लॉ, पहला स्टेप क्या लगेगा, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक, पहला लॉ ये रहा, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल छोटे हैं, साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये टर्म क्लियर है, सही है यहां तक। अब मैं आई और आर की वैल्यू कैसे ढूंढता हूं, इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए आई सी, ओ ए सी और आई ए सी, चलो ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए एंड सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन है, आई, आई किसके इक्वल है, एल्फा प्लस गामा। तो पहली क्वेश्चन आ गई, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा। दूसरा ट्राइंगल क्या लेना है, आई ए सी, आई ए एंड सी, ये वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन है, आर, आर किसके इक्वल है, बीटा प्लस गामा, ठीक। तो मैंने आई निकाल लिया, मैंने आर निकाल लिया, मैंने आई और आर को यहां सब्स्टिट्यूट कर लिया, एंगल छोटे हैं, अल्फा का मतलब ए एम बाई एम ओ, बीटा का मतलब ए एम बाई एम आई, गामा का मतलब ए एम बाई एम सी, तो ये मैंने पुट कर दिया इसमें, ए एम ए एम ए एम ए एम कैंसल हो गया, न्यूमिनेटर कैंसल हो गए, जहाँ एम है उसकी जगह मन में पी सी कर दो, पी ओ कर दो, पी सी कर दो और पी आई कर दो, क्योंकि एम इज वेरी मच क्लोजर टू पी। अब डिस्टेंस इज सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टेप है, क्या स्टेप है, इसके अंदर PO का मतलब क्या, अब रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है टूवर्ड्स राइट, क्योंकि रे रे टू डेंसर राइट है, और हम डिस्टेंस क्या मेजर कर रहे हैं, उल्टा, तो PO का मतलब माइनस U
और यहाँ पर पी आई का मतलब उल्टा डिस्टेंस है माइनस वी, और पी सी राइट की तरफ है प्लस आर, वो राइट है। दो ओ और आई लेफ्ट हैं और आर यहाँ पर राइट है। ठीक, अभी रुक जाओ, एक मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो तुम अगर पी ओ की जगह माइनस यू, पी आई की जगह माइनस वी, पी सी की जगह आर पुट करोगे, एक अच्छी बात यह है फॉर्मूला वही आ गया जो रियल में आया था, वर्चुअल रियल का फॉर्मूला सेम आ गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? रियल वर्चुअल के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं। तो ये फॉर्मूला जो है, इसका मतलब ये फॉर्मूला रेयरर टू डेंसर का सेम ही है। तुमने इसमें क्या याद करना है, इसमें क्या लिखना है, ये लिख लो, क्योंकि ये कन्वेक्स का केस है, क्योंकि कन्वेक्स के केस में रेयरर टू डेंसर का केस है, वर्चुअल का केस है। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या रखा? नेगेटिव। हमने इमेज का डिस्टेंस क्या रखा? नेगेटिव। और हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या है इसमें? पॉजिटिव। बस इसके डायग्राम के यहाँ बना लो, अगली बार जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बॉक्स रेफर करेंगे। तो इसमें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज वर्चुअल में सेम साइड पे होते हैं, वो तो पता ही है। यू आर वी फिर नेगेटिव हो गई और आर इसमें पॉजिटिव है। ठीक है यहाँ तक? तो फॉर्मूला रेयरर टू डेंसर का एग्जैक्टली सेम ही बन गया। अब इसमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है कनकेव का, कनकेव का रेयरर टू डेंसर का ही है कनकेव का। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर कनकेव का डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है। ये लो, ये कनकेव है, ऐसे ड्रॉ करना है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़, जब आप ये कनकेव का डायग्राम बनाएंगे, इसमें ना रियल का केस बनता ही नहीं है, इसमें वर्चुअल बनता है। तुम प्लीज ऑब्जेक्ट को यहां मत रखना, पास मत रखना, तुम यहां कहीं रखना, दूर रखना। तुम कहोगे ऐसा क्यों? 2 मिनट दो, अभी भी समझाता हूं ऐसा क्यों। तो डायग्राम बनाने का पहला रूल समझ लो, रे ऑफ लाइट एक तो यहां जाएगी, एक इसकी सरफेस पे जाके हिट करेगी। अब इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो कहां बनेगा? यहां बनेगा, क्योंकि सेंटर इसका इस तरफ है, तो ये इसका नॉर्मल है। तुम अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रख देते तो यार ये सेंटर बीच में, ये तो डायग्राम ही बहुत छोटा हो जाता। तुम स्पेस तो दो डायग्राम बनने के लिए वर्चुअल में, तो थोड़ी अच्छी स्पेस दी मैंने। अब हुआ क्या, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो टूवर्ड्स के चक्कर में इसके साथ मिल नहीं पाएगा, तो रियल तो बनेगी नहीं। कहां मिलेगा? पीछे जाके मिलाना पड़ेगा, और ये क्या बनेगी? इसकी इमेज। इसीलिए ऑब्जेक्ट को दूर रखना ताकि ये दोनों डायग्राम बीच में फिट हो जाए। तुमने अगर पास रख दिया तो तुम्हारे डायग्राम ना ठीक तरह बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा, इसका नाम ए, इसका नाम एम, इसका नाम पी। लो ट्राई करो।
ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ये डायग्राम बन गया। इस डायग्राम में एक खास बात देख लेना, अल्फा बीटा गामा तो क्लियर ही है, इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़े ध्यान से देखना। ये देखो, इसके अंदर ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी रे है, तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। और यहाँ ड्रॉ कर लेना, मेंशन नहीं है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आर। और अगर ये आर है और ये लाइन यहाँ पे जा रही है बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकदम सेम है, तो ये एंगल भी शेडेड क्या हो जाएगा? आर। चेक कर लो ज्योमेट्री इसकी, ऐसे ही हुआ। अगर ये आर है तो ये छोटे वाला भी आर है, वर्टिकली ऑपोजिट, टोटल एंगल क्या है इंसिडेंस का? आई। देखो, फिर देखो, ये रे है, ये नॉर्मल है, रे ऑफ नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रे है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये आर है तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है आर एंड आर, ठीक है। रूल वही है गेम खेलने का, स्नेल्स लॉ, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, एंगल छोटे हैं यहां तक तो सेम रूल है। फिर इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए आई सी, तो ये रहा ए ओ एंड सी, इसके अंदर एक्सटीरियर कौन है? गामा। गामा किसके इक्वल है? एल्फा प्लस आई। गामा इज इक्वल टू एल्फा प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या है? गामा माइनस एल्फा, सही है। और इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी ये छोटा सा ट्राइंगल है, एक्सटीरियर कौन है? गामा। गामा किसके इक्वल है? बीटा प्लस ये छोटा एंगल, छोटा एंगल कितना है? आर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? गामा माइनस बीटा। तो मतलब सिंपल है, अगर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी से आई और आर निकाल लेना। तो मैथ्स लगा के आई और आर आ गया, उस आई और आर को यहाँ और यहाँ पुट कर लेना, फिर अल्फा को रिप्लेस करना ए एम बाई एम ओ से, बीटा को ए एम बाई एम आई से, गामा को ए एम बाई एम सी से, तो इसको आप रिप्लेस करना, ए एम ए एम ए एम कैंसिल, जहाँ जहाँ एम आ रहा है वहाँ वहाँ पी 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 कर देना, एम और पी क्लोज हैं। और लास्ट स्टेप है, इसके अंदर बताओ रे कहाँ जा रही है? राइट। और तुम पोल से अगर ओ मेजर करते हो तो पी ओ क्या होगा? माइनस यू। पी आई क्या होगा? माइनस वी। और पी सी क्या होगा? माइनस आर। और जब तुम ये वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे, माइनस यू माइनस वी माइनस आर, मजे की बात है, फॉर्मूला फिर से क्या आएगा? सेम। मतलब अगर रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है, तीनों स्टेप्स में फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बनेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, ये कनकेव का केस है, यहाँ लिख लेना, ये कनकेव का केस लिख लेना, कनकेव के केस में रेयरर टू डेंसर का केस लिखना, ऑब्जेक्ट इसमें नेगेटिव है, इमेज इसमें नेगेटिव है, आर भी इसमें नेगेटिव है, ये लिख लेना इसके आसपास, तीनों के तीनों इसमें नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, और आर भी इसमें नेगेटिव है, एक काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है यहां तक सब नेगेटिव है। अब इसमें रिफ्रैक्शन कहां से कहां है? डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में दो केस हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स का केस डायग्राम ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेक्स का केस है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहां से कहां करनी है? डेंसर टू रेयरर, तो ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, डेंसर म्यू टू रेयरर म्यू वन। पहला स्टेप क्या है? रे ऑफ लाइट सीधी गई। दूसरा क्या है? रे ऑफ लाइट यहां हिट करेगी, ध्यान आ गए। नॉर्मल कहां जाएगा? सेंटर में से, क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट पे है, तो नॉर्मल सेंटर में से। रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड, सॉरी डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिसे यहां मिल जाएगी, और इमेज रियल बन गई। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का बीटा, सेंटर का गामा, और ये ट्राइंगल सेम, बस फर्क एक है, इसमें स्नेल्स लॉ उल्टा लगेगा, म्यू टू इंटू साइन आई इज म्यू वन इंटू साइन आर, उसमें उल्टा लगता है, इसमें म्यू टू म्यू वन रिप्लेस कर दिया, तो म्यू टू इंटू साइन आई म्यू वन इंटू साइन आर। तो ये स्टेप यहां तक सेम है, स्नेल्स लॉ उल्टा करके म्यू टू म्यू वन, एंगल छोटे हैं, आई और आर कैसे निकलेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, वहां से एक्सटीरियर एंगल के साथ आई और आर निकालना,
उस आई और आर को यहाँ पुट करना, आई और आर को पुट करके ये वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा गामा को टेन से सॉल्व करना और ए एम कैंसिल हो जाएगा और एम की जगह पी रिप्लेस कर देना, फिर लास्ट में बताओ रेज कहाँ जा रही है, राइट। पी ओ क्या होगा, माइनस यू, पी सी क्या होगा, माइनस आर, और पी आई क्या होगा, प्लस वी। तो इसके अंदर लिख लेना इस केस में ये कौन सा केस है, ये कन्वेक्स का केस है और डेंसर टू रेयरर का केस है। इसमें यू क्या है, नेगेटिव, वी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज क्या बन रही है, रियल, और आर क्या है इसमें, नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, आर इसमें पॉजिटिव नहीं है, आर इसमें नेगेटिव है। बाकी स्टेप सेम है बिल्कुल, कोई डाउट इसमें? ठीक है, और लास्ट केस है कंकेव, और हाँ जब तुम ये वैल्यूज को यहां पुट करोगे और सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर ये आएगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूं तुम्हारा रेयरर टू डेंसर में फॉर्मूला क्या बना था, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, और तुम्हारा डेंसर टू रेयरर में क्या फॉर्मूला बना, कुछ नहीं करना तुमने, जहां म्यू वन है वहां म्यू टू कर दो, जहां म्यू टू है वहां म्यू वन कर दो, जहां म्यू टू है म्यू वन और ये म्यू टू बाई आर, कुछ नहीं करना, रिप्लेस करो म्यू वन को म्यू टू के साथ, म्यू टू को म्यू वन के साथ। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर रेरर टू डेंसर का फॉर्मूला याद है तो डेंसर टू रेरर में उल्टा कर दो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूला क्या डराइव होगा, ठीक है, लास्ट केस है डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर के केस में सुन लो, डेंसर टू रेरर के केस में ये ऑब्जेक्ट है, रे सीधी ये यहां पे गई, नॉर्मल यहां जाएगा, रे ऑफ लाइट जो है एंट्रिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, इट विल वेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसलिए इसकी कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, बाकी एवरीथिंग इज सेम, बस इसमें स्नेल्स लॉ वही लगेगा, म्यू टू इंटू साइन ऑफ आई, म्यू वन इंटू साइन ऑफ आर, सेम फॉर्मूला है। इसके अंदर ये फॉर्मूले के अंदर साइन निगलेक्ट कर देना, इन ट्राइंगल आई ए सी इन ट्राइंगल ओ ए सी करके आई और आर निकाल लेना, आई और आर को यहाँ पुट करके आपके पास ये टर्म आएगी, वही अल्फा बीटा गामा टेन से निकाल लेना, एम को पी रिप्लेस कर देना, मेन है साइन कन्वेंशन। पी ओ इज, क्योंकि रेज राइट जा रही है, ये डिस्टेंस पी ओ इज माइनस यू, पी आई इज माइनस वी और पी सी इज प्लस आर, और अगर तुम इन वैल्यूज को यहां पुट करो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला वही आएगा जो पिछले केस में आया, यानी कि डेंसर टू रेरर। तो आपका जो फॉर्मूला है वो रियल वर्चुअल से चेंज नहीं होता, रेरर टू डेंसर का सेम फॉर्मूला है और डेंसर टू रेरर का सेम फॉर्मूला है। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम हमने करने हैं।